और भाई लोग क्या हाल चाल गाइस। यार ये क्या यार, यहाँ पे इतना सारा सोना, इतना सारा हीरा और इतने सारे पैसे भाई। ओ माय गॉड यार, मुझे तो चक्कर आ जाएगा भाई इतना पैसा देख के। ओ भाई यार मुझे चक्कर आ जाएगा भाई इतना सारा पैसा देख के। यार इतना सारा पैसा आया कहाँ से, और इतना गोल्ड, इतना हीरा भाई कौन लेके आया भाई। यार गाइस देख रहे हो, दो दो गड्डी, मतलब गड्डी नहीं, यहाँ पे दो दो कैरेट, यहाँ पे पैसों की गड्डी भाई। बार मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ पास से। ओ भाई साहब इतना ज्यादा पैसा, ओ माय गॉड यार ये सारे पैसे आए कहाँ से भाई। ये हम लोग का पैसा है क्या, हम लोग का पैसा क्या ये सब कुछ? अरे फ्रैंकलिन कलवे, ये हम लोग का पैसा नहीं है, ये इन सारे गॉड लोग का पैसा है। क्या मतलब गॉड लोग का पैसा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ, ये जो सारे गोल्ड है, सारे डायमंड, सारे पैसे है, अगर ये सब तुम्हें चाहिए तो तुम सब लोग को हमारे मुँह के अंदर 24 आवर्स गुजारने पड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने 24 आवर्स गुजार लिए तो तुम सबको ये सारे पैसे मिल जाएंगे। यार लेकिन सबको ये सारे पैसे क्यों मिलेंगे, कोई एक होगा ना जो जीतेगा, वही उसी को मिलेगा ना पैसा ये सारा। हाँ तुमने सही कहा, जिस भी गॉड के मुंह में जो सबसे आखिरी तक रहेगा वही जीतेगा, बाकी सब हार जाएंगे। हाँ जो सबसे आखिरी तक मुँह के अंदर रहेगा वही जीतेगा, समझ गए ना? यार ये तो मैं समझ गया, तुम लोग के मुँह के अंदर जो सबसे लास्ट तक रहेगा वही जीतेगा ये सारे गोल्ड, सारे डायमंड, सारे पैसे। लेकिन यार ये बताओ कि अगर हम लोग तुम्हारे मुंह के अंदर रहेंगे भाई, तब तो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट या फिर 1 घंटे में ही मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे ना खाना है, ना पानी है, ना टॉयलेट करने की व्यवस्था है। यार हम लोग जिंदा रहेंगे तो रहेंगे कैसे, ये तो बताओ पहले। अरे उसकी कोई चिंता नहीं है, हमारे मुंह के अंदर अभी मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे आग है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे तुम्हारे लिए फल है, यहाँ पे तुम्हारे टॉयलेट करने की व्यवस्था है, और अगर तुम लोग को भूख लगती है तो यहाँ पे हम लोगों ने लाश भी ला के रखी है, तुम लोग इसको पका के खा सकते हो। क्या कहा, लाश ला के रखी है भाई अपने मुंह में? ओ माय गॉड यार भाई मैं लाश नहीं खाऊंगा, भले मैं ये चैलेंज हार जाऊं, लेकिन यार सिर्फ ब्लैक गॉड के मुंह में ना, बाकी ये जो तीन गॉड खड़े हैं इन लोग के मुंह में। अरे फ्रैंकलिन कलवे सबके मुंह में है, ये देख मेरे मुंह में भी है, यहाँ पे एक लाश है, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे ये सारे फ्रूट और आग और पानी, सबके मुंह में एकदम सेम चीजें हैं। ये देखो लावा गॉड के मुंह में भी, हाँ ये देख लो मेरे मुंह में भी सब कुछ सेम है, और तो और पिंकी गॉड के मुंह में भी सेम है। आ जाओ देख लो सब कुछ चेक कर लो, उसके बाद ही ये चैलेंज शुरू करना, ये देखो सब कुछ है। ओ भाई अब मैं समझ गया भाई साहब, यहाँ पे जो भी इन गॉड के मुंह में सबसे लास्ट तक रहेगा, और तो और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है, जो लास्ट तक रुक जाएगा उस वही ये जीत जाएगा भाई। तो यार हम लोग जाएंगे कैसे ऊपर भाई, ये तो बताओ। ऊपर वहां तक पहुंचने के लिए हमें हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन की जरूरत होगी, तो जल्दी से लाओ हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन ना, तब तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। और फ्रैंकलिन कल्वे एक बार देखो तो सही, तुम्हारे लिए हम लोगों ने डायमंड का हेलीकॉप्टर मंगाया है। डायमंड का हेलीकॉप्टर? ओ भाई क्या ही खतरनाक भाई साहब, ओ गजब भाई गजब यार, क्या ही मस्त का है भाई, क्या मस्त चमक रहा है भाई साहब। ये हेलीकॉप्टर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है। फिलहाल गाइस इस हेलीकॉप्टर को लेके चलते हैं ऊपर इन सब के मुंह के अंदर। लेट्स गो भाई, जल्दी से आ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो भाई आके सब लोग। ऑल राइट गाइस सब लोग आके बैठ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे चिंकी पुक्की शिनचैन सब लोग बैठ जाओ भाई जल्दी जल्दी, आज हम लोग ये चैलेंज जीत के ही रहेंगे। जल्दी जल्दी बैठो भाई। चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, और चलते हैं इन सब के मुँह के अंदर, और चलते हैं उसके बाद इन सब के मुँह में भाई। चलो लेट्स गो भाई साहब, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चैलेंज करने वाले भाई, तुम लोगों ने देख ही लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिंकी गॉड के ऊपर लैंड कर देता हूँ, तो पिंकी गॉड के मुँह के अंदर कौन जाना चाहेगा सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। मूछ की कसम मैं जाऊँगा पिंकी गॉड के मुँह के अंदर। ठीक है रेड हल्क भाई तुम जाना पिंकी गॉड के मुँह के अंदर। गाइज यहाँ पे मैं रेड हल्क को नीचे उतार देता हूँ इसके टकले के ऊपर, और ये जाएगा इस पिंकी गॉड के मुँह के अंदर। चलो रेड हल्क भाई जल्दी से उतर जाओ नीचे, उसके बाद जाओ जल्दी से। ऑल राइट गाइज यहाँ पे रेड हल्क उतर चुका है यहाँ नीचे। गाइज यार ये देखो रेड हल्क को मैंने पिंकी गॉड के टकले के ऊपर उतार दिया है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब भाई चलेंगे शिनचैन को उतारने। शिनचैन तुम कहाँ उतरोगे? मैं उतरूंगा आइस गॉड के टकले के ऊपर। ठीक है चलो शिनचैन मैं तुम्हें आइस गॉड के टकले के ऊपर उतार देता हूँ। को गाइस भाई यार लावा गॉड के टकले के ऊपर कोई भी उतरना नहीं चाह रहा, क्योंकि लावा गॉड के अंदर बहुत ही ज्यादा खौलती हुई आग है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है। फिलहाल गाइस यहाँ पे शिनचैन को उतारते हैं आइस गॉड के टकले के ऊपर। आ जाओ शिनचैन भाई जल्दी आओ। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अरे यार सही से मुझे लैंड करना होगा भाई, वरना टकले के ऊपर लैंड ही नहीं कर पाएंगे सही से हम लोग। लेट्स गो यहाँ पे आराम से लैंड करें भाई। चलो
ओके बस बस हो गया। ऑल राइट ठीक है भाई, ठीक है सही है ऑल राइट। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं आइस गॉड के टकले के ऊपर और मैंने शिनचैन को आइस गॉड के टकले के ऊपर लैंड करा दिया है। अब मैं चलता हूँ बाकी सबको लेके। अरे मैं भी आइस गॉड के टकले पे लैंड करूंगी। अच्छा चिंकी और शिनचैन दोनों लोग आइस गॉड के टकले पे रहेंगे, ठीक है भाई तुम लोग यहीं रहो। शिनचैन और चिंकी को मैंने आइस गॉड के टकले पे लैंड करा दिया है, अभी ये लोग उसके मुंह में जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अभी कौन कौन बचा है यहाँ पे भाई, अभी कौन कौन बचा है पहले ये देखते हैं। लेट्स गो, पहले यहाँ पे चलते हैं इस ब्लैक गॉड के टकले के ऊपर और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन लैंड होता है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली आज की वीडियो में। अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो चैनल जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। 24 आवर्स इन द गॉड माउथ भाई साहब। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कमला ने कहा कि ये ब्लैक गॉड के टकले के ऊपर रहेगी, इसीलिए पुक्की भाई अंदर से उतरा ही नहीं, पुक्की अंदर ही बैठा है। अब मैं और पुक्की चलते हैं इस लावा गॉड के मुंह के अंदर, क्योंकि पुक्की के पापा लावा गॉड है भाई, जैसे तुम लोग को पता ही होगा, इसीलिए पुक्की अपने पापा के पास रहना चाहता है। तो चलो गाइस चलते हैं पुक्की के पापा के पास और भाई यहाँ पे लैंड करना शुरू करते हैं जल्दी से। ऑल राइट, यहाँ पे भाई ये लास्ट वाली लैंडिंग है, इसीलिए हम लोग को इसको धमाके के साथ करनी है। और तो और हमारी ये देखो प्लेन भी ख़राब हो गई है, तो चलो इस लास्ट वाली लैंडिंग को धमाके के साथ करते हैं इस लावा गॉड के टकले के ऊपर। ये अरे इतनी महंगी हेलीकॉप्टर तुमने फेंक दी। अरे यार फेंकी नहीं है, वो बस ऐसे दक के नीचे चली गई, उसका इंजन चेंज हो जाएगा बाकी वो बन जाएगी। फिलहाल गाइस हम लोग सब लोग आ चुके हैं टकले के ऊपर, भी मैं दिखाता हूँ किसके ऊपर कौन कौन है। सबसे पहले ये पिंकी गॉड है और पिंकी गॉड के टकले के ऊपर है ये रेड हल्क। जीतूंगा वो सारे पैसे। हाँ रेड हल्क, हाँ तुम ही जीतोगे वो सारे पैसे, चाहे जो हो जाए तुम ही जीतोगे। उसके बाद आता है ये लावा गॉड जिसके टकले पे मैं और पुक्की खड़े हैं। यहाँ पे पुक्की कुछ कहना चाहोगे? अरे फ्रैंकलिन कल भी हम लोग जीत के ही रहेंगे वो सारे डायमंड सारे पैसे, चाहे जो हो जाए तुम हार मत मानना बस। भाई तुम्हें क्या लगता मैं हार मानूंगा? मेरे टकले पे देखो यहाँ पे चोट लग गई, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ भाई। अभी तो भाई बहुत चोटें बाकी है, ये तो छोटी सी चोट है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये आइस गॉड है, आइस गॉड के टकले पे कौन खड़ा है? ओके यहाँ पे आइस गॉड के टकले पे शिनचैन है भाई, और कोई ओ भाई चिंकी भी है यहाँ पे आइस गॉड के टकले पे। शिनचैन और चिंकी आइस गॉड के टकले पे हैं। और नहीं तो क्या, हम लोग ही जीतेंगे, तुम लोग चाहे जितनी ताकत लगा लो लेकिन हम लोग से जीत नहीं पाओगे। अरे यार वो तो बाद में ही पता लगेगा कौन जीतता है कौन हारता है। शिनचैन चिंकी तुम लोग ही जीतना, चिंकी बिटिया तुम मेरी बिटिया हो इसीलिए तुम ही जीतना चाहिए, कोई नहीं जीतना चाहिए। मेरी आंखों में देख रही हो ना, मेरी आंखों में देखो और तुम ही जीतोगे ऐसा बोलो। हाँ इस पापा, हाँ मैं ही जीतूंगी, आपकी आंखों की तरह मेरी आंखें भी नीली नीली है ये देखिए। चिंकी बिटिया बहुत अच्छी, हम ही लोग जीतेंगे। उसके बाद आता है ये ब्लैक गॉड भाई जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ मेरा साथी ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। और गाइस इसका साथी जो है वो देखो कौन है एक बार देखो। तो गाइस यहाँ पे ये कमला है इसकी साथी। और भाई कमला क्या हाल चाल है? मेरा हाल चाल तो बिल्कुल ठीक है, बाकी तुम लोग तो एकदम बेकार ही होगे, क्योंकि मैं ही जीतूंगी ये सारे डायमंड सारे पैसे, समझ गए ना? यार वो सब तो ठीक है तुम ही जीत जाना, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। तो गाइस यार यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं लावा गॉड के दांतों के पास, और चलो गाइस अंदर चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं अंदर। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है भाई साहब, ओ माय गॉड यार। ओ भाई यहाँ पे ये देखो सच में सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास। अरे आप पुक्की भाई जल्दी अंदर आओ यार। अभी आता हूँ, इतना बड़ा बड़ा दांत है मेरे लावा पापा का, लावा पापा आप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ पुक्की बेटा मैं बहुत खतरनाक हूँ, अब तुम लोग ही जीतना ये चैलेंज जान जाओ। ठीक है लावा पापा हम लोग ही जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। यार पुक्की भाई एक बार देखो तो सही यार यहाँ पे कितने सारी चीजें पड़ी है, जैसे अगर हम लोग को टॉयलेट लगती तो यहाँ पे हम लोग टॉयलेट कर सकते हैं, हम लोग को भूख लगती तो हम लोग यहाँ पे ये फल फल खा सकते हैं, यहाँ पे केला है अंगूर है अमरूद है सब कुछ है। और अगर हम लोग को गर्मी लगती है तो मतलब ठंडी लगती है तो हम लोग यहाँ पे आग ताप सकते हैं मतलब। और जो और अगर हम लोग को प्यास लगती है तो यहाँ पे हम लोग पानी भी पी सकते हैं। वाह भाई बहुत सही। और तो और अगर हम लोग को एक्स्ट्रा भूख लगती है तो हम लोग को ये लाश खोनी खानी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ। चैलेंज जीतने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। नहीं भाई नहीं तुम ही खाना, मैं बिना खाए ही मर जाऊंगा, लेकिन ये लाश नहीं खाने वाला, मैं कभी भी नहीं खाऊंगा गाइस ये लाश। एक बार देखो तो गाइस कितना ज्यादा खतरनाक है इसका मुंह, ये लाश भाई बहुत ज्यादा
खतरनाक है, इसको तुम्हें कभी ना खाऊं भाई चाहे जो हो जाए। मूंछों की कसम पिंकी गॉड, तुम्हारा दांत तो बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, तुम कैसे खाना वाना खाती हो? अरे मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मुझे खाना बहुत कम ही मिलता है। मूंछों की कसम, अरे ये क्या, यहाँ पे तो लाशें पड़ी है, टॉयलेट है, यहाँ पे फल पड़े हैं, वाह वाह मजा आ जाएगी खा खा के यहाँ पे चैलेंज कम्प्लीट करने में। अरे ढल्क तुम ही जीतोगे, मुझे पता है तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई नहीं है, तुम ही जीतोगे। अरे थैंक यू पिंकी गॉड, थैंक यू, हम ही लोग जीतेंगे देख लेना तुम। अरे ढल्क तुम ही जीतोगे। अरे यार चिंकी चलो हम लोग भी अंदर चलते हैं, यहाँ पे दांतों को तो देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े दांत है, वाह इतने ज्यादा खतरनाक दांत है, चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ पे तो सब कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे तो मैं एक साल बिता दूं। अरे चिंकी जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। जाओ चिंकी बिटिया, क्या सोच रही हो तुम, जाओ जल्दी से अंदर, जाओ शिनचैन के पास। अरे आइस पापा मैं सोच रही थी अगर मैं ये सारे पैसे जीत जाऊंगी तो आपके आंखों का इलाज करवा दूंगी। अरे मेरी चिंकी बिटिया, मेरी आंखें सही हो जाएंगी, तुम बस खाली ये चैलेंज सही से करो बस, बाकी तो मेरी आंखें सही हो जाएंगी, यहाँ पे मुझे इस आंख से दिखता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ बस तुम खाली ये चैलेंज जीत जाओ बस, मुझे मेरी आंखों की परवाह नहीं है। ठीक है आइस पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पूरी ताकत लगा दूंगी इस चैलेंज को जीतने में, देख लीजिएगा मैं और शिनचैन ही जीतेंगे इस चैलेंज को, चाहे जो करना पड़े मैं वो करूंगी, अगर मुझे टॉयलेट का पानी भी पीना पड़े तब भी मैं पी लूंगी। अरे यार चिंकी पगला बगला गई हो क्या, टॉयलेट का पानी इतना गंदा होता है वो क्यों पियोगी? मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगी, उसके बाद चाहे मुझे ये लाश खानी पड़े, चाहे टॉयलेट का पानी पीना पड़े, चाहे किसी को भी मार के खाना पड़े, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे यार चिंकी तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। और नहीं तो क्या, मैं खतरनाक हूँ ही। जितने लोग भी यहाँ पे हैं सबसे ज्यादा होशियार मेरी कमला ही है, ये देखो कमला तुम जीत गया ना, तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, मैं हूँ सबसे ज्यादा होशियार यहाँ पे, इसका दांत हुआ तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक इन लोग का दांत ही है, वाह यार चलो मैं चलती हूँ अब यहाँ पे चैलेंज देखती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। अरे वाह यहाँ पे तो मेरी फेवरेट चीज है, ये लाश तो मेरी फेवरेट चीज है, मजा ही आ जाएगी खा के। और क्या है यहाँ पे, आग है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे फल भी है, यार फल तो बेकार लगता है मुझे, मुझे लाश अच्छा लगता है मुझे, हाँ लाश खाऊंगी लाश खाऊंगी, मजा आ जाएगी मजा आ जाएगी लाश खा खा के। ठीक है अब चैलेंज शुरू हो चुका है। हाँ हाँ अब से 24 घंटे तक तुम सबको हमारे मुंह के अंदर ही रहना होगा। हाँ और जो सबसे आखिरी तक हमारे मुंह के अंदर रहेगा वही जीतेगा वो सारे पैसे और डायमंड और गोल्ड। हाँ और जो नहीं जीतेगा वो हमारे मुंह से नीचे कूद जाएगा और उसे पैराशूट की मदद से वो वापस अपने घर जा सकता है, उसे उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे फ्रैंकलिन तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है, तुम कैसे यहाँ पे सरवाइव करोगे, जल्दी बताओ जल्दी। यार लावा गॉड भाई देखो मैं यहाँ पे अभी ना सिर्फ और सिर्फ सोना चाहता हूँ, जितना देर हम लोग सोएंगे उतना ही जल्दी यहाँ पे टाइम बीत जाएगा, तो पुक्की भाई जल्दी से सो जाओ, मैं तो भाई यहाँ पे चल रहा हूँ सोने, और जितना देर हम लोग सोएंगे उतना जल्दी यहाँ पे टाइम बीतता जाएगा और हम लोग को भूख प्यास भी नहीं रहेगी, क्योंकि सोते समय भाई हम लोग की बहुत ही कम ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जब कम एनर्जी लगेगी तो हम लोग को कम खाने की और कम पीने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देर तक सर्वाइव कर पाएंगे और हम ही लोग जीत जाएंगे सारे डायमंड सारे पैसे भाई, इसीलिए अभी जा रहा हूँ सोने और पुक्की तुम भी जाओ सो जाओ। अरे नहीं फ्रैंकलिन कल मैं सोने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा चाहे इधर उधर करता रहूंगा लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मुझे दिन में नींद नहीं आती है, मुझे खुराफात सूझती है, मैं नहीं सोऊंगा। अरे यार तुम्हें नहीं सोना तो मत सो, मैं तो भाई जा रहा हूँ सोने यार, ओ भाई क्या ही मजा आती सोने में, भाई मजा आ गई यार मजा आ गई। ये फ्रैंकलिन कलवा तो सो गया, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो इस लाश के ऊपर उछल उछल के कूदता हूँ, एक बार देखता हूँ यहाँ पे इसके लाश के ऊपर क्या क्या स्पंज लगा है क्या। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार, इसके पेट के ऊपर इस टॉयलेट में क्या क्या चीज़ है, चलो चल के देखता हूँ, इस टॉयलेट में भी कुछ नहीं, यहाँ पे ये एप्पल एप्पल है खाने वाला, चलो एप्पल खा लेती हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, यहाँ पे पानी है चलो पानी पी लेता हूँ, बाद में कुछ करूंगा, ये देखो पानी तो निकाल लिया, चलो पी भी लेता हूँ। चलो 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 पीता, मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई, चलो पानी पी लिया पेट तो भर गया, अभी काम करता हूँ इस जो ये जो लाश है ना इसके पेट में मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन से छेद करता हूँ, मजा आएगी और ज्यादा मजा आएगी। ये देखो इसके पेट में अब छेद करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है इसके पेट में से, चलो 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 मजा आ रही है मजा आ रही है। भाई साहब यार ये आवाज कहाँ से आ रही है,
अबे भाई पुकी पागल पागल हो गया क्या यार? अरे यार क्या हो गया? अरे भैया पगला पगला क्या हो यार, ये लाश है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम इसके पेट में छेद करोगे यार, एक से एक पगलेट पड़े हैं यार। मतलब मैं सो क्या गया दो मिनट के लिए, ये फालतू फालतू एक काम करने लगा यार, देख रहे हो वो ये लाश पड़ी है तो इसके पेट में ये ड्रिल मशीन से छेद कर रहा है, पागल इंसान कहीं के। अरे फ्रैंकलिन कलवे मेरा बेटा जो कर रहा है उसे करने दो, समझे? जाओ भैया करो जो करना है करो, मैं तो भैया जा रहा हूँ फिर से सो जाऊंगा, लेकिन यार अभी भूख बहुत ज्यादा लग रही है यार, मैं पहले खा लेता हूँ कुछ फल वल, उसके बाद यहाँ पे करूंगा भाई जो करना होगा। मुंह चुकी कसम सोच रहा हूँ थोड़ी सी जिम कर लेता हूँ, जिम करके बॉडी बनाऊंगा तब भाई यहाँ पे ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। हाँ रेढ़ल खां तुम जिम करके बॉडी बनाओ ताकि यहाँ पे देर तक टिक पाओ, जल्दी जिम करो जल्दी। ठीक है पिंकी गॉड, मैं जल्दी से जिम करता हूँ यहाँ पे, चलो 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 यहाँ पे जिम करना शुरू करता हूँ। मोच की कसम इतनी खतरनाक बॉडी बनाऊंगा कि मैं ही यहाँ पे रह जाऊंगा, बाकी कोई नहीं रह पाएगा। ये देखो कितना ज्यादा वेट उठा रहा हूँ, मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई। अब चलो ऐसे कर लेता हूँ, ये ऊपर से वेट उठाऊंगा एकदम बॉडी बना लूंगा, ये देखो ये एकदम वेट उठा उठा के बॉडी बनाऊंगा। मूंछों की कसम मैं तो थक गया भाई यहाँ पे, चलो थोड़ा सा ये फल खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी भूख मिट जाएगी। चलो 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 फल खा लेता हूँ, मजा आ गई फल खा के। चलो 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 थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, यहाँ पे पानी है पानी पी लेता हूँ। चलो 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 पानी भी पी लिया। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ होने लगी। चलो अब पार्टी कर लेता हूँ जल्दी से बैठ के, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है? अरे नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा है रेढ़ल, पार्टी कर लो पार्टी कर लो। कितनी अजीब बात है, हम लोग इस पिंकी गॉड के मुँह के अंदर ही पार्टी करने वाले है, इतना ज्यादा गंदा है ये पिंकी गॉड। तुमको चैलेंज जीतना है या फिर नहीं बताओ? अरे सॉरी 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 पिंकी गॉड, गलती हो गई गलती हो गई, चलो जल्दी से यहाँ पे पार्टी कर लेता हूँ। कितनी ज्यादा गंदी पॉटी कर रहा है तू रेढ़ल को। मुझ की कसम और पिंकी गॉड देख रही हो क्या तुम? अरे मैं बाहर देख रही हूँ कि अंदर देख रही हूँ, पगलेट हो क्या एकदम? अरे यार चिंकी तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बनाना खाने, बनाना खा लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे बनाना। मजा आ गई बनाना खा के, वाह वाह मजा आ गई मजा आ गई। अब चलो यहाँ पे पानी पी लेता हूँ, यहाँ पे पानी है, पानी भी पी ली। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी लगने लगी मुझे तो। 2 मिनट हुआ है इनको इनको ठंडी और प्यास और भूख सब लगने लगी, पगलेट इंसान कहीं के। अरे यार चिंकी यार क्या बताऊँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा प्यास लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है यार, मैं बिना खाए रह नहीं पाता हूँ। चिंकी बिटिया अगर तुम जीतती रहो और शिनचैन तुम्हारे बीच में आए तो इस शिनचैन को खत्म कर देना, बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी सोचना मत। और नहीं तो क्या, खत्म तो कर ही दूंगी इनको। अरे यार चिंकी यार मैं तो तुम्हारे दोस्त हूँ ना। दोस्त नहीं बताओगे सब यहाँ से? अरे यार ये तो मुझे भगा रही है यार, मैं कैसे यहाँ पे रह पाऊंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा 24 घंटे तक। अरे यार चिंकी तुम्हें भूख लग रही है क्या? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं भूख लग रही है। ठीक है यार चिंकी मैं तो जा रहा हूँ आराम करने, यहाँ पे आराम कर लेता हूँ जल्दी से, तुम अपना जो मन करे वो करो। ठीक है आराम करो चाहे जो करो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है समझे। अरे कमला तुम क्या कर रही हो ये तो बताओ। मैं तो सोच रही हूँ लाश खाऊं यार, क्या कर तू, मैं तो सोच रही थी इस लाश को खाने के लिए। अरे कमला जब तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं रहेगा तब उस लाश को खाना, अभी मत खाओ अभी मत खाओ। अरे यार मुझसे रहा नहीं जा रहा इस लाश को खाए बिना यार, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है लाश, मुझे खाने तो ना। नहीं कमला अभी मत खाओ वरना हार जाओगी तुम। ठीक है अच्छा अभी नहीं खाती हूँ, और क्या करूँ यहाँ पे, और क्या क्या चीजें हैं करने के लिए यहाँ पे, पॉटी करने के लिए चीज है यहाँ पे, खाने के लिए है, और क्या क्या चीज है यहाँ पे, पानी भी पी सकते हैं हम लोग। चलो यार और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं यहाँ पे क्या करूं, मुझे तो लाश खाने का मन कर रहा है बस और कुछ नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी मैं नहीं जानता। यार कोई अभी तक हारा या फिर नहीं, सब लोग डटे हुए हैं यार, ये तो बताओ, मतलब कोई किसी को पता है क्या कोई हारा या फिर नहीं हारा अभी, ये तो बताओ। नहीं फ्रैंकलिन अभी कोई भी नहीं हारा है, सब लोग डटे हुए हैं। हाँ हाँ यहाँ पे सब लोग डटे हुए हैं, रेड हल्क तो यहाँ पे बॉडी उडी बना के एकदम खतरनाक तरीके से अपनी बॉडी बना के डटा हुआ है। मुझ की कसम मुझे कोई नहीं हरा सकता। चिंकी बिटिया यहाँ पे सब के सब बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें अपना हिसाब से चलना होगा, जो भी तुम्हें सही लगे वो करना होगा। ठीक है लाओ पापा मैं जो भी करूंगी सब कुछ सही करूंगी, और मैं ही जीतूंगी वो सारे डायमंड सारे गोल्ड सारे पैसे। अरे यार चिंकी मैं भी तो हूँ, मैं भी तो जीतूंगा तुम्हारे साथ साथ।
हाँ हाँ वही मतलब, जब तुम बचोगे तब जीतोगे ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चिंकी बिटिया अपनी सूझबूझ से खेलना। कमला तुम जीत के रहोगी बस बस, और कोई जीते चाहे ना जीते, तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ मैं तो जीतूंगी ही। गाइस यार यहाँ पे सब एक से एक ताकतवर और एक से एक बुद्धिमान लोग आए हुए हैं। फिलहाल गाइस हम लोग को यहाँ पे रहना होगा। यार पुक्की क्या कर रहे हो यार तुम? मुझे भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फल खाने पहले। अब उसके बाद थोड़ा सा पानी पीऊंगा। चलो पानी पी लेता हूँ जल्दी से। अब उसके बाद क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे यार पुक्की कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ऐसे खाली हम लोग को 24 आवर्स बिताने हैं बस खाली, उसके बाद तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यार ये तो बताओ टाइम कितना बीत रहा है, तब तो भाई हम लोग को समझ में आया कितना टाइम बीता कितना और बिताना है। अभी 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी तुम्हें 20 घंटे और रहना होगा। अरे वाह क्या बात है, 4 घंटे बीत भी चुके हैं, सिर्फ 24 आवर्स हम लोग को रहना था जिसमें से 4 घंटे बीत चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे और बाकी है। धीरे धीरे वो टाइम भी बीत जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। ये जितना तू समझ रहा है ना उतना आसान है नहीं। अभी 5 घंटे बीते हैं, अभी पूरे पूरे 20 घंटे बाकी हैं। 20 घंटे में ना तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी 20 घंटे में यहाँ पे। अरे यार चिंकी तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही होगा। बाकी तो हम लोग यहाँ पे लाश खाने के लिए है ही है, यहाँ पे हम लोग लाश खा लेंगे। हाँ हाँ जरूर खा लोगे लाश। पुक्की भाई और क्या किया जाए यार यहाँ पे, ये बताओ पहले। अरे मैं तो सोच रहा था यहाँ पे डांस वांस किया जाता यार, फालतू में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हाँ यार ये तुमने बहुत सही बात कही यार, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे डांस ही करें यार। चलो गाइस यहाँ पे डांस करते हैं। वाह भाई वाह, पुक्की क्या मस्त डांस करते हो भाई, मुझे तो लगा था भाई तुम्हें डांस ही नहीं आता, तुम तो डांस बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो। और नहीं तो क्या, यहाँ पे टाइम पास करना है बस खाली, जल्दी जल्दी डांस करते हैं। वाह 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 वाह, भाई साहब सारे गोल्ड सारे पैसे हम लोग जीतेंगे 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 जीतेंगे, सारे गोल्ड सारे पैसे हम लोग जीतेंगे हम लोग जीतेंगे 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 जीतेंगे। अरे पुक्की बेटा नाचना गाना बंद करो, यहाँ पे सब लोग जीत रहे हैं धीरे धीरे और तुम नाच रहे हो। अरे लाओ पापा हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ताकि यहाँ पे टाइम बीतता जाए। अब कितने घंटे बचे हैं जल्दी से बताइए। अरे पुक्की बेटा अब सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे बचे हैं बस। क्या कहा, 2 घंटे बीत गए भाई, हवा भी नहीं लगी 2 घंटे बीतने में। गाइस यार यहाँ पे टाइम इतना ज्यादा तेजी से बीत रहा भाई, मजा ही आ गई। गाइस जल्दी जल्दी डांस कर करके यहाँ पे टाइम बिता देते हैं भाई, मजा ही आ गई। ए रेड हल्कवा यहाँ पे सब लोग डांस वांस कर रहे हैं और टाइम बिता रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो खड़े होके? मुँह चुकी कसम मैंने तो अभी भी पॉटी करी है, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम्हारे दांत देख के आता हूँ, ये तेरे दांत तो कितने ज्यादा बड़े हैं। हाँ हाँ मैंने रोज ब्रश करती हूँ, रोज चमकाती हूँ, पिंक कलर से ब्रश करती हूँ। अच्छा अच्छा बहुत सही, मैं तो ब्रश ही नहीं करता हूँ। अरे तुम मलिच्छो ब्रश क्या करो कोई करके? अरे यार मलिच्छ नहीं हूँ, यहाँ पे आग वाग जल रही है बढ़िया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे मुँह की सफाई कर दूँ तब तक। ठीक है जब तक यहाँ पे टाइम नहीं बीत रहा तुम मेरे मुँह की सफाई ही कर दो। ठीक है अभी सफाई करता हूँ, मुँह की कसम ये देखो पूरा चमका दूंगा कपड़े से तुम्हारा मुँह, समझ गई ना पिंकी गॉड? ठीक है चमका तो मजा आ जाएगी, चमकाओ चमकाओ चमकाओ। मुँह चुकी कसम ऐसा चमकाऊंगा कि तुमने कभी ब्रश करके भी नहीं चमकाया होगा। तुम क्या कर रही हो बताओ? अरे बोलो ना, ये बोल क्यों नहीं रही है? एक बार अंदर चल के देखता हूँ ये बोल क्यों नहीं रही है। ये तो खा रही है इस लाश को। नहीं अभी मत खाओ, ये तो इस लाश को खा रही है। बहुत ज्यादा मजा आ रही है इस लाश को खाने में। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो? मजा आ गई मजा गई, खा खा के ये लाश। फिर से मना कर रहा हूँ मत खाओ मत खाओ, वरना बाद में पछताओगी, मत खाओ मत खाओ। मैंने खा के खत्म भी कर दिया वो लाश ही, मजा आ गई वो लाश खा के। अब तो बस मुझे खाना खा के सोने का मन कर रहा है, चलो यहाँ पे सो जाती हूँ, उससे पहले पानी पी लेती हूँ यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे सो जाती हूँ आराम से। चलो चलो चलो, इतना ज्यादा खाना खा लिया कि अब तो मुझे सोने का ही मन कर रहा है, चलो यहाँ पे सो जाती हूँ। ये कमला तो पक्का हारेगी, पक्का हारेगी ये कमला। गाइस यार यहाँ पे डांस करते करते मैं थक गया हूँ और अब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जल्दी से पानी पीता हूँ। अरे फ्रैंकलिन कल वे पूरा पानी मत पी जाना। यार भाई यहाँ पे ज्यादा पानी भी नहीं बचा है, पुक्की भाई ज्यादा डांस मत करो वरना प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बस। चलो 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 जल्दी से पानी पी लेता हूँ यहाँ पे।
ज्यादा पानी भी नहीं बचा है अपने पास तो। हाँ यार पुक्की भाई, ज्यादा पानी भी नहीं बचा है अपने पास तो। यार 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 लावा गॉड भाई, अब बताओ कितने कितने कितनी देर और बाकी है? अब सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे बाकी हैं। अरे वाह, यहाँ पे 2 घंटे और बीत चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे बाकी हैं। और कोई एलिमिनेट हुआ या फिर नहीं? कोई हारा या फिर नहीं? सब लोग डटे हुए हैं। अभी तक तो सबके सब लोग डटे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं आ रहा है। मेरा रेड हल्क तो कभी हार ही नहीं सकता, इतना ज्यादा पावरफुल है वो, इतना ज्यादा पावरफुल है वो कि वो उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। वो चुकी कसम, तुमने बिल्कुल सही कहा पिंकी गॉड। ये देखो मैंने तुम्हारे पूरे मुंह की सफाई कर दी है। थैंक यू रेड हल्क, थैंक यू, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। अरे बस भी करो, मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। ए शिनचैन मां, तू जा उधर, जा उधर, जा इस साइड आ, मैं जा रही हूँ पॉटी करने, तू जा उधर, भाग भाग यहाँ से भाग। अरे यार 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 मुझे शर्म आ रही है। अरे भाग, शर्म क्या आ रही, चल निकल यहाँ से, भाग, शर्म आ रही है इनको। अरे यार जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जाओ तुम पॉटी करो। ठीक है चल निकल, तू उधर, इधर देख भी मत लेना गलती से, वरना तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। जल्दी से पॉटी कर लेती हूँ मैं। अरे यार चलो यहाँ से इधर 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 आ जाता हूँ, वरना वो चिंकिया देखेगी तो मुझे मारेगी। चलो इधर आ जाता हूँ। वाह इसका दांत कितना ज्यादा ज्यादा बड़ा है, वाह वाह मजा आ गई, इतना ज्यादा बड़ा दांत, वाह। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? अरे आइसगार्ड तुम्हारी बिटिया चिंकी पार्टी कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, पार्टी करके तो मजा ही आ गई। चलो 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 यहाँ पे आ जाती हूँ अब। ए शिनचैन मां आ जा, मैंने पार्टी कर लिया। चलो 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 चलते हैं इस चिंकी के पास। आ रहा हूँ मैं चिंकी, क्या कर रही हो आप? मुझे बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, चलो क्या करे, चलो ये फल खा लेते हैं चल के। हाँ चिंकी जल्दी आओ, जल्दी फल खाते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ मैं भी आ रही हूँ, मैं भी खाती हूँ जल्दी से यहाँ पे ये वाला फल। अरे ये क्या, अपना तो एक फल खत्म भी हो गया। अरे हाँ यार चिंकी तुमने बिल्कुल सही कहा, अपना एक फल खत्म हो गया। अब हम लोग को कम कम खाना खाना चाहिए, वरना अपना ये वाला भी फल खत्म हो जाएगा, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चिंकी बिटिया खाना बचा बचा के खाओ, वरना फल खत्म हो जाएगा तब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद तुम्हें खाना पड़ेगा वो लाश। मैं लाश भी खा जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार चिंकी तुम तो बहुत बड़ी भुक्खड़ हो। मैं भुक्खड़ नहीं हूँ, मुझे ये पैसे जीतने हैं ताकि मैं अपने आइस पापा की आँखों का इलाज करवा सकूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन के मुझे रोना आ गया है, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नौटंकी बाज कहीं का। गाइस यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये लावा गॉड है और इसके पूरा भाई गरम गरम रहता है सब कुछ, जिसकी वजह से भाई हम लोग को प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। और अब भाई मैं पानी पीने जा रहा हूँ। हाँ ये क्या भाई, ये तो पानी ही खत्म हो गया। क्या कहा फ्रैंकलिन कल्वे, तूने पानी पी के खत्म कर दिया यार, ये क्या किया तूने? अब हम लोग खाना खाएंगे तो पानी कहाँ से पिएंगे, ये तो बताओ तुम। अरे यार भाई पुक्की मैं क्या करता भाई, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है कि बार बार प्यास लग रही है भाई, मैं क्या करूं? अरे यार प्यास तो मुझे भी लग रही है बार बार, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये तो बताओ पानी कहीं पे तो होगा, फलों में पानी मिलता है क्या? हाँ हाँ पुक्की भाई, वाटरमेलन में बहुत ज्यादा पानी होता है, अगर वो वाला फल हो तो खा लो तुम। लेकिन यहाँ पे तो वाटरमेलन है ही नहीं, यहाँ पे संतरा है, केला है और अमरूद है। यार पुक्की भाई वो भी खा लो, उसमें भी थोड़ा बहुत पानी रहता है। ठीक है अभी खाता हूँ यहाँ पे। ये क्या, ये तो फल भी खत्म हो गया अपना एक ठो। क्या 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 क्या, ओ माय गॉड गाइस, अपना एक फल भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया। ओ शिट यार, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला फल है और ये वाला लाश है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए भाई। बस हम लोग को अब सेव कर करके चलना पड़ेगा, वरना भाई हम लोग मारे जाएंगे। मुंह चुकी कसम, बहुत सफाई कर ली, अब चलो कुछ खा भी लेता हूँ। क्या खाऊं क्या खाऊं, सबसे पहले क्या खाऊं, यहाँ पे तो मेरे पास फल भी है, दोनों फल है, पानी भी है, यहाँ पे लाश भी है, सबसे पहले मैं खाता हूँ फल। चलो 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 ये वाले फल खा लेता हूँ। अरे मुंह चुकी कसम ये तो खत्म भी हो गए, चलो ये वाले फल खाता हूँ। अरे मुंह चुकी कसम ये वाले फल भी खत्म हो गए, ये क्या हो गया, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ये तो। अरे रेड हल्क भाई ज्यादा ज्यादा खाना मत खाओ, अभी तुम्हें यहाँ पे 12 घंटे बिताने हैं पूरे के पूरे। ठीक है पिंकी गॉड, 12 घंटे मैं बिता लूंगा। अब धीरे धीरे
धीरे रात भी होने वाली है, जब रात हो जाएगी तब और ज्यादा मजा आएगी। हाँ लावा भैया तुमने बिल्कुल सही कहा, रात में तो और ज्यादा मजा आएगी। गाइस यार एक बार देखो तो भाई यहाँ पे रात होने वाली है और तो और यहाँ पे सब कुछ एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है भाई। एक बार मैं बाहर चल के देख, लेकिन बाहर मैं जा ही नहीं सकता, थोड़ी सी जगह यहाँ पे दिख रही है गाइस, यहाँ से मैं तुम लोग को भी दिखाता हूँ कि रात हुई या फिर नहीं। गाइस यार देख रहे हो रात होने वाली है यार। यार लावा गॉड भाई कितने घंटे अब हुए हैं बताओ? तुम लोगों ने 12 घंटे बिता लिए हैं, अब 12 घंटे और बिताने हैं बस, उसके बाद जो भी बचेगा सबसे आखिरी तक वही होगा विजेता। मुझे पता है कमला ही होगी विजेता, क्यों कमला मैंने सही कहा ना? और नहीं तो क्या, मैं ही विजेता होंगी। गाइस यार यहाँ पे भाई रात होने वाली, एक बार देखो तो गाइस यहाँ पे पूरा सूरज डूब चुका है, बस रात होने ही वाली थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो गाइस एकदम सूरज डूब चुका है। अरे यार चिंकी यहाँ पे तो रात हो गई है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। अरे अंधेरा हो चुका है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे टॉर्च थोड़ी है अपने पास, जैसे तैसे यहाँ पे गुजारना होगा हमें बस। यार चिंकी तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सुसु करने, तुम भाग जाओ यहाँ से। अरे सुसु करते ना। अच्छा ठीक है सुसु कर लेता हूँ यहाँ पे। मजा आ गई सुसु करके। यार सुसु करने के बाद तो यार प्यास लग गई, एक से एक नौटंकी इसकी लगी रहती है, प्यास लग गई सुसु करने, जाओ पानी पियो। चलो 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 पानी पी के आता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो पानी ही खत्म हो गया, मैंने सारा पानी पी लिया। यार ये क्या हो गया? क्या कहा तुमने, सारा पानी ही पी लिया? हाँ हाँ यार मैंने सारा पानी पी लिया, और तुमने भी तो कहा था अगर सारा पानी खत्म हो जाएगा तो तुम इस टॉयलेट का भी पानी पी लोगी ये चैलेंज जीतने के लिए। हाँ कहा तो था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में टॉयलेट का पानी पीऊंगी गंदे कहीं के। आइस पापा मुझे इस शिनचैनवा से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, इसने सारा पानी पी के खत्म कर दिया, अब मैं क्या पीऊंगी? चिंकी बटिया अगर तुमने ये चैलेंज जीत लिया तो ये शिनचैन को भी आधा हिस्सा देना पड़ेगा, इसीलिए मैं तो कहूंगा इस शिनचैन को जान से ही मार डालो। ठीक है आइस पापा जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन जान से अभी नहीं मारूंगी, जब मेरे पास खाने की कमी हो जाएगी तब मैं उसे जान से मार के उसे भी खा लूंगी। आज चिंकी बढ़िया ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। चलो 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 चलती हूँ, अब तो मुझे खाने की कोई कमी होने वाली ही नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक जिंदा लाश है और एक मरी हुई लाश है। अरे यार चिंकी ये क्या कह रही हो तुम, दो लाश कहाँ पे आ गई तुम्हारे पास? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे मजाक कर रही थी। हाँ यार ये मजाक बहुत अच्छा था। हाँ हाँ अभी पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में तुम्हें। यार मुझे तो भूख लग रही है, लेकिन ये लाश तो खत्म हो चुकी है, चलो यहाँ पे फल खा लेती हूँ, फल तो अभी मेरे पास बचा ही है, जल्दी से फल खा लेती हूँ। छी 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 ये फल तो कितना बेकार था, इससे अच्छा तो लाश ही थी, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो, फल खा लिया मैंने पेट भर गया, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ यहाँ पे। चलो आराम कर लेती हूँ यहाँ पे, आग के पास थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है, अब आग के पास में खड़ी हो गई हूँ, आराम से मजा आ रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से रात हो चुकी है, और भाई ये लावा गॉड का मुंह के अंदर तो देखो भाई हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है लावा गॉड के होने का, क्योंकि भाई ये लावा है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अंधेरे की कोई कमी नहीं, मतलब उजाले की कोई कमी नहीं है। और भाई लाश को तो देखो कितना ज्यादा ये काला काला हो गया है। और भाई पुक्की क्या हाल चाल है? अरे फ्रैंकलिन कलवे मुझे प्यास लगी है बहुत जोर से। यार मैं पानी कहाँ से लाऊं गाइस, यार अपने पास सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फल है और ये लाश है। यार एक काम करो पुक्की, तुम लाश खा लो और शायद उसमें पानी भी हो, लाश में यार पानी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तुम लाश खा लो यार, उससे थोड़ी सी प्यास बुझ जाएगी तुम्हारी। नहीं मैं लाश नहीं खाऊंगा, मैं फल खा लेता हूँ थोड़ा सा बस, बाकी बचा के रख देता हूँ। वाह भाई यार पुक्की ने बहुत अच्छा काम किया, जो थोड़ा सा फल खाया और थोड़ा सा बचा दिया भाई, यहाँ पे हम लोग भाई बहुत सही खेल रहे हैं, बस ऐसे ही खेलते रहे अगर तो पक्का ये चैलेंज हम ही लोग जीतेंगे भाई। बस अब जैसे सुबह के 6 बजेंगे वैसे ही हम लोग भाई ये चैलेंज जीत जाएंगे। अभी 10 घंटे और तुम लोग को यहाँ पे सर्वाइव करना है। ऑल राइट गाइस, लावा गॉड कह रहा है कि अभी हम लोग को 10 घंटे और सर्वाइव करना है भाई। यार 10 घंटे तो आराम से ही सर्वाइव कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हाँ यार पुक्की तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन कलवे, क्या हुआ? यार मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। शायद तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ यार पुक्की भूख तो बहुत ज्यादा लगी है, बट मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई, कैसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अरे यार एक काम करो,
तुम फल खा लो। ठीक है यार पुक्की, मैं खुद से नहीं खाना चाहता था, वरना तुम कहते भाई सारा फल ही अकेले खा गया, इसीलिए मैं भाई कुछ खा नहीं रहा था। चलो गाइस अब फल खा लेते हैं जल्दी से। भाई यार भाई यहाँ पे पहले ही आधा पुक्की ने फल खा लिया है, आधा मैं भी खा लेता हूँ, खत्म हो जाएगा पूरा फल भी। और भाई साहब यहाँ पे देखो फल भी खत्म हो चुका है। गाइस यार अब थोड़ा सा सही लग रहा पेट में। भाई यार चक्कर आ गया था, चक्कर की वजह से मैं गिर गया भाई चकरा के। अब हमारे पास सिर्फ लाश बची है बस, पानी वानी कुछ भी नहीं बचा है। ये देखो पानी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ यार पुक्की भाई अब सिर्फ लाश बची है, लाश के भरोसे हम लोग को ये गेम जीतना है। मूंछों की कसम चलो यहाँ पे सो जाता हूँ। मूंछों की कसम बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँ मेरी डाइट पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मन कर रहा है ये लाश खा लूँ यार, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर तुम लाश खा लोगे तो पूरी रात कैसे गुजारोगे ये तो बताओ। हाँ यार पिंकी गॉड तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लाश खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। मुझे लाश खाना है। अरे ये क्या, ये रढ़लकुआ तो पागल हो रहा है भूख के मारे, इसको लाश खाना ही पड़ेगा वरना ये सच में पागल हो जाएगा। अरे रढ़लक भाई जल्दी से लाश खाओ वरना तुम पागल हो जाओगे। मुझे लाश खाना है। मूंछों की कसम जल्दी से ये लाश खा लेता हूँ वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी ये लाश खाता हूँ। मूंछों की कसम ये लाश भी खत्म हो गई है, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी है बस खाली। ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मेरे पास अभी पानी भी है और यहाँ पे ये फल भी है, लेकिन यार फल तो थोड़े से ही बचे खाली, लेकिन क्या हुआ थोड़े से ही बचे तो क्या हुआ, चलो फल खा के जिंदा रह लूंगी मैं आराम से। चलो 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 चलो। अरे ये क्या, मैं तो आग के ऊपर खड़ी हो गई। अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो आग के ऊपर खड़ी हो गई जिसकी वजह से मैं जलने लगी। जल्दी से पानी के ऊपर जाती हूँ ताकि मैं बुझ जाऊँ। अरे ये क्या हो गया, मेरा पानी खत्म हो गया, मैंने पानी के ऊपर खड़ी हो गई जिसकी वजह से मेरी आग बुझाने के चक्कर में पानी ही खत्म हो गया। यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये फल बचे हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार ये क्या हो गया। अरे यार चिंकी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं क्या करूँ जल्दी बताओ। मैं क्या बताऊँ, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तुम जो मन करे वो करो। अरे यार मैं जा रहा हूँ फल खाने। तो जाओ ना खाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलो 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 ये सारे फल मैं अकेले खाऊंगा, सारे फल मैं अकेले खाऊंगा। सारे फल मैंने अकेले खा लिए। तुमने सारे फल अकेले खाए हैं, अब ये जो लाश बची है ये मैं खाऊंगी, ठीक है ना। ठीक है यार चिंकी तुम खा लेना वो लाश, मुझे नहीं खाना लाश वाश। चिंकी बटिया मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें याद है ना, कि जब तुम्हें भूख लगे तो शिनचैन को मार के खा जाना। हाँ इस पापा मुझे याद है। अरे यार चिंकी क्या याद है, मुझे ही बताओ। कुछ नहीं बस ऐसे ही। यार यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाश बची है। और यार ये बताओ अब तक कोई जीता या फिर नहीं, मतलब कि अब तक किसी ने हार मानी या फिर नहीं, कोई ऊपर से कूदा या फिर नहीं। नहीं अभी तक कोई भी नहीं कूदा है, बस कूदने ही वाला ये समझ लो। अभी तुम लोग के पास 8 घंटे और हैं, मतलब 8 घंटे तुम लोग को और चैलेंज करना है। ओ भाई साहब 8 घंटे और चैलेंज करना है। भाई 8 घंटे बीत गए ना, तब तो भाई समझ लो हम लोग पक्का है जीत जाएंगे भाई, 8 घंटे बिताना है बस खाली। मेरा तो पानी भी खत्म हो गया, मैंने लाश तो शुरू में ही खा लिया था, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये फल बाकी हैं बस, ये भी थोड़े से फल हैं, कितने फल मैं खा पाऊंगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, लगता मैं हार जाऊंगी क्या। नहीं कमला तुम इतनी आसानी से हार मत मानो, तुम जीत के रहोगी। हाँ हाँ मुझे पता है मैं जीत के रहूंगी। मूंछों की कसम मैंने यहाँ पे लाश भी खा ली और तो और दोनों के दोनों फल भी खा लिए, अभी भी मेरी भूख नहीं मिट रही, मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ इस टॉयलेट को ही खा लेता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है टॉयलेट खाने के बाद। अरे पगलेट रेड हल्क तुमने टॉयलेट खा लिया, अब जब तुम्हें टॉयलेट लगेगी तो टॉयलेट कहाँ करोगे ये तो बताओ। मूंछों की कसम यहीं पे कहीं कोने में कर दूंगा। नहीं यहाँ पे नहीं करना है, तुम्हें अगर टॉयलेट लगेगी तो तुम्हें बाहर कूदना पड़ेगा बाहर करने के लिए, अंदर टॉयलेट था तब उसमें करना था, लेकिन तुमने टॉयलेट ही खा लिया, अब तुम टॉयलेट कहाँ करोगे, तुम्हें अगर टॉयलेट लगेगी तो तुम्हें कूदना ही पड़ेगा। मूंछों की कसम ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा तो टॉयलेट नहीं लगेगी। यार पुक्की भाई अब यहाँ पे हम लोग को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ
एक लाश बची है और तुम वो लाश खाओगे ना? और नहीं तो क्या, मैं ही तो खाऊंगा। तुमने फल खाया, मैं लाश खाऊंगा। हाँ यार पुक्की भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम लाश खा लो भाई। यार यार यहाँ पे कौन जीतेगा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। लावागौड़ भाई कितना टाइम और बाकी है ये बताओ? अभी 7 घंटे और बाकी है, 7 घंटे और चैलेंज चलेगा। यार अभी तो बहुत ज्यादा टाइम बाकी है गाइस, अभी हम लोग को यहाँ पे और सर्वाइव करना पड़ेगा। अब ना मुझे भूख लग रही है, बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, इस लाश को इस आग पे रख देता हूँ ताकि ये लाश भुन जाए थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग इसको खाया जाएगा। नहीं भाई पुक्की, तुम ही खाओ ये लाश, मुझे नहीं खाना ये लाश। ठीक है मैं ही खा लूंगा, मेरे पास एनर्जी आएगी, मैं ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाऊंगा और तुम मर जाओगे। यार ये बात भी सही है यार। ठीक है भाई पुक्की, जल्दी से लेके आओ यार, हम लोग मिल के खाया जाएगा इस लाश को। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग ये वाली लाश को देख रहे हो आग के ऊपर रख दिए ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए और थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद हम लोग खाएंगे। हाँ चलो चलो चलो, अब तक तो ये भुन भी गई होगी और गर्म भी होगी, चलो अब खाते हैं। हाँ भाई पुक्की चलो अब खाते हैं। ओ भाई साहब, लाश भी हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे खाने के लिए। भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर हम लोग को भूख लगती है तो भाई, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे खाने के लिए। इसीलिए भाई मैं तो खाना ना खा लिया हूँ, अब जा रहा हूँ सोने आराम से, यहीं पे सो जाते हैं गाइस हम लोग। चलो पुक्की भाई तुम भी सो जाओ आराम से। ठीक है मैं भी सो जाता हूँ। ए शिनचैन भाई तू यहीं पे खड़ा रहे, मैं बाहर थोड़ा सा माहौल देख के आती हूँ, सुबह हो रहा है या फिर नहीं। चलो एक बार बाहर देख के आती हूँ, सुबह हो रही है या फिर नहीं। अरे नहीं यार, यहाँ पे तो अभी भी रात ही है, अभी सुबह हो ही नहीं रही। यहाँ पे ये देखो सारी गाड़ियाँ चल रही है, लाइट जल रही है गाड़ियों की। अरे यार मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या करूँ क्या करूँ। एक काम करता हूँ, जब तक वो चिंकी वहाँ गई है तब तक चुपके से ये लाश खा लेता हूँ। चलो 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 ये लाश खा लेता हूँ। अरे आइस पापा ये बताइए अभी कितना देर और चैलेंज चलेगा? चिंकी बुटिया अभी 6 घंटे और चैलेंज चलेगा। 6 घंटे? चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे तो यूं निकल जाएंगे। चलो अब वापस चलती हूँ इस शिनचैनवा के पास। ए शिनचैनवा कहाँ गया, तू क्या कर रहा है? ये क्या, तूने मेरी लाश खा ली क्या? हाँ यार चिंकी, मैंने तुम्हारी लाश खा ली क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तेज भूख लगी थी, अगर मैं ना खाता तो मैं मर ही जाता। क्या कहा, तूने मेरी लाश खा ली है? आइस पापा, इसने मेरी लाश खा ली, इसने मेरा फल भी खा लिया। चिंकी बुढ़िया, जो मैंने तुम्हें कहा था वही करो इसके साथ। ठीक है वही करती हूँ इसके साथ, अब इसको मार के इसी की लाश में खा जाती हूँ। अरे यार चिंकी ये क्या कह रही हो, तुम मुझे मार के मेरी लाश खाओगी? हाँ और नहीं तो क्या, तुमने मेरी लाश खाई अब मैं तुम्हें मारूंगी। ये ले शिनचैनवा कहीं के, अब मैं तुझे मार मार के तेरी ही लाश खा जाऊंगी। ये ले। अरे यार मुझे मत मारो। मर गया ये शिनचैनवा। अब चलो इसकी लाश में खाती हूँ। मजा आ गई शिनचैनवा की लाश खा के। अब तो अगर मैं जीत जाती हूँ ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगी सारे के सारे पैसे। बहुत अच्छा किया चिंकी बुटिया, वो शिनचैन तुम्हारे साथ होने के लायक नहीं था, अच्छा हुआ तुमने उसे मार के खा लिया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो ये बचा हुआ फल भी खा लेती हूँ। अरे ये क्या, ये फल तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, मेरी पेट भी नहीं भरा यार, मेरा पेट भी नहीं भरा यार, मैं क्या करूँ। अरे कमला तुम कमजोरी की वजह से चक्कर आके गिर गया तुम्हें खाने की और पानी की जरूरत है। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ये चैलेंज छोड़ के नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। कमला अगर तुम ये चैलेंज नहीं छोड़ोगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो गई है और खाने की कमी हो गई है। अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा तेज मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी खाने पीने को नहीं है। अब मैं ये हार मान लेती हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे, मैं हार मानती हूँ, मैं नहीं खेलूँगी ये वाला गेम, मैं हार मानती हूँ। जाओ कमला जाओ, तुम
हार गई ये गेम और तुमने मुझे भी हरा दिया। जाओ कमला जाओ। अटेंशन अटेंशन कमला, ये गेम हार के चली गई है। अटेंशन अटेंशन कमला, ये चैलेंज हार चुकी है, उसने क्विट कर दिया है क्योंकि उसको चक्कर आ रहा था, उसको भूख की वजह से उल्टी आ रही थी, इसकी वजह से वो चली गई है ये गेम छोड़ के। ओ भाई साहब, कमला ने हार मान लिया गाइस फाइनली। अब भाई धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं क्योंकि भाई सबके पास खाने पीने की चीज़ें कम ही होती जा रही हैं और फिलहाल हम लोग के पास भी खाने पीने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। भाई हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे अब मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझ चुकी कसम, मेरे पास बस खाली यहाँ पे पानी है, चलो पानी पी के काम चला लेता हूँ। मुझ की कसम पानी भी खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस खाली अब मुझे सुबह बितानी है बस खाली। अब कितना टाइम बाकी है पिंकी गॉड, जल्दी बताओ। अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सरवाइव करना है तुम लोग को। जो भी 4 घंटे सरवाइव कर पाएगा वही जीतेगा ये गेम और ये पैसे और ये डायमंड और ये कैश। मुझ की कसम मैं ही जीतूंगा, चाहे जो हो जाए मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। अचानक से यहाँ पे इतनी ठंड कैसे हो गई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आपके पास आ जाता हूँ जल्दी से मैं। अरे ठंड पड़ना शुरू हो गई है, अब आएगा असली मजा। ये 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 ये। मुझे बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही है। मुझ की कसम मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पैर ठंड के मारे कांप रहे हैं, मेरे पैर ठंड के मारे कांप रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जल्दी से इस आग के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अब तो। मुझ की कसम ये क्या हो गया, ये तो आग भी बुझ गई। अरे यार इतनी ठंडी में आग भी बुझ गई है, क्या हो गया। मुझू की कसम ना यहाँ पे खाना ना टॉयलेट ना आ गया, क्या हो गया यार, मैं तो हार जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे की कसम क्या करूँ क्या करूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। अरे रेड हल्क जल्दी से निकल जाओ वरना तुम सच में मर जाओगे। हाँ मुझू की कसम मैं भाग रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं नहीं करूंगा ये चैलेंज वरना मैं मर जाऊंगा वरना मैं। अटेंशन अटेंशन, यहाँ पे रेड हल्क ने भी हार मान लिया और वो नीचे कूद गया है। मुझ की कसम इतना ज्यादा खतरनाक चैलेंज आज तक मैंने नहीं देखा है, यहाँ पे तो पूरी बर्फ ही बर्फ गिर गई है। गाइस यार अचानक से थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हम लोग का भाई जो मुंह है ये लावा गॉड का मुंह है, जिसकी वजह से भाई हम लोग को ठंड ही नहीं लग रही यहाँ पे। वाह भाई मजा ही आ गई, वाह भाई क्या ही बात है यार, मजा ही आ गई। पुक्की भाई हम ही लोग जीतेंगे लग रहा मुझे, क्योंकि अब तो भाई रेड हल्क भी यहाँ पे क्विट कर चुका है ठंड की वजह से। आइस पापा, आइस पापा बहुत जोर से ठंड लग रही है, आइस पापा बहुत जोर से ठंड लग रही है। चिंकी पुटकिया तुम हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, बस उसके बाद तुम जीत जाओगी। यहाँ पे मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। चिंकी पुटकिया अब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाकी है बस सुबह होने में, जैसे ही सुबह होगी तुम ये चैलेंज जीत जाओगी। बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही है, मैं आपके ऊपर खड़ी हो जाती हूँ। चिंकी पुटिया मैं एक काम करता हूँ, अपने मुंह के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा धमाका कर देता हूँ जिसकी वजह से आग लग जाएगी और तुम उस आग की मदद से अपनी गर्मी ले लेना और गर्म हो जाना। लेकिन इससे तो आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द करेगा ना, बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा आपको। चिंकी पुटिया तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे दर्द होगा तो दर्द होने दो, तुम बस खाली ये चैलेंज जीतो बस खाली, उसके बाद तो सारा इलाज हो जाएगा। नहीं आइस पापा, नहीं आइस पापा, मैं इस चैलेंज को जीतने के लिए आपको दर्द नहीं दे सकती। आइस पापा मैं आपको दर्द नहीं दे सकती। नहीं चिंकी पुटिया तुम्हें मुझे दर्द देना ही पड़ेगा, धमाका होगा तभी यहाँ पे आग लगेगी अंदर और तभी तुम यहाँ पे सेफ रहोगे, वरना तुम भी अभी जम जाओगे यहाँ पे, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और तो और मैं आइस गार्ड हूँ जिसकी वजह से तुम्हें और ज्यादा ठंड लग रही है। नहीं आइस पापा, नहीं आइस पापा, आप धमाका मत करिएगा, नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। ये देखो मैंने धमाका कर दिया है, अब तुम आग के बगल में ही खड़ी हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल भी गर्म ठंडी नहीं लगेगी। नहीं आइस पापा, नहीं 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 नहीं, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना। हाँ चिंकी बिटिया, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम खाली आग के बगल में खड़ी रहो। आइस पापा अब काफी अच्छा लग रहा है, अब धमाका होने से आग निकल रही है जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। गाइस यार यहाँ पे सिर्फ मैं, पुक्की और वो चिंकी बची है बस खाली, बाकी सबके सब। लेकिन एक सेकेंड भाई, चिंकी के साथ तो शिनचैन भी था ना, मैंने टकले पे शिनचैन और चिंकी को दोनों को साथ में भेजा था, लेकिन
शिनचैन कहाँ है भाई ये तो बताओ। अरे फ्रैंकलिन, शिनचैन ने हार मान ली और वो नीचे कूद गया, लेकिन मेरी बिटिया चिंकी ने हार नहीं मानी इसीलिए वो ऊपर ही है। इसीलिए अब शिनचैन ने हार मान ली है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। आइस पापा, आपने उस फ्रैंकलिन से झूठ क्यों बोला? अरे चिंकी बिटिया, अगर उस फ्रैंकलिन से मैंने ये बता दिया होता कि तुमने उस शिनचैन को मार के खा लिया है तो वो अभी आके तुम्हें मार देता, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला। अच्छा भाई ये बात है, शिनचैन ने हार मान लिया, बट कोई बात नहीं यार, चिंकी तो है ना, चिंकी अपना खेलेगी, क्यों पुक्की, मैंने सही कहा ना? और नहीं तो क्या, चिंकी खेलेगी अपना और हम यहाँ पे तीन लोग हैं, बाकी शिनचैन तो अपना चला ही गया है। हाँ भाई, यहाँ पे पुक्की है, मैं हूँ और चिंकी है, बस खाली यहाँ पे तीन लोग हैं। और लावा गॉड भाई ये बताओ कितना टाइम और बाकी है? बाकी नहीं मतलब बाकी है। सिर्फ 2 घंटे और बाकी है, उसके बाद सुबह हो जाएगी और जो भी सुबह तक टिक गया वो जीत जाएगा। यार भाई 2 घंटे और बाकी है गाइस, यहाँ पे किसी तरह से हम लोग को यहाँ पे बिता देना है बस खाली 2 घंटे, उसके बाद तो भाई मजा ही आ जाएगी। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। यार ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो बारिश होना शुरू हो चुकी है। शिट यार शिट, यहाँ पे ये लावा अब इसका बुझ जाएगा मुझे लग रहा है भाई, लावा गॉड का लावा बुझ रहा है भाई, अब तो भाई हम लोग को भी ठंड लगेगी। यहाँ पे बारिश होना शुरू हो चुकी है गाइस, ये देखो पूरा का पूरा लावा गॉड का लावा बुझ रहा है धीरे धीरे। अरे नहीं, यहाँ पे बारिश होना शुरू हो चुकी है, मेरा सारा का सारा लावा बुझ रहा है। जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म करो वरना हार जाओगे, जल्दी जल्दी खत्म करो। ओ शिट यार, यहाँ पे लावा गॉड का लावा बुझ रहा है जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है भाई, क्या करूँ मैं, क्या करूँ या या पुक्की भाई, ठंड लग रही क्या? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। यार गाइस पुक्की को तो मुझसे भी ज्यादा ठंड लग रही है यार, यार मैं क्या बताऊं पुक्की भाई, यार पुक्की भाई जल्दी से यहाँ पे मेरे पास आ जाओ ताकि ठंड कम लगे। मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। नहीं भाई पुक्की, थोड़ी देर और रुको, हम दोनों जीत जाएंगे यार। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। पैसे का क्या है, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं बाद में नहीं आ पाऊंगा। लाओ पापा, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं ये चैलेंज नहीं कर पाऊंगा। अरे पुक्की बेटा, तुमने हार क्यों मान ली? अरे पुक्की बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तुमने हार मान ली, बहुत ज्यादा गलत हुआ। अरे यार लाओ पापा, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, अब मैं नहीं खेलूंगा, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। गाइस यार ठंड तो मुझे भी बहुत जोर से लग रही है, लेकिन यार मैं क्या करूं, मैं सरवाइव कर रहा हूं धीरे धीरे। भाई साहब आग के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूँ, भाई एकदम भीग गया हूँ मैं, एकदम भीग गया हूँ एकदम से। यार लावा गॉड कितना देर और बाकी है जल्दी बताओ। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा और बाकी है बस। यार गाइस आधा घंटा और सरवाइव करना है बस खाली, उसके बाद तो सारे के सारे पैसे मेरे भाई। आइस पापा ये आग धीरे धीरे बुझ रही है, मैं क्या करूं? चिंकी बिटिया थोड़ा सा और हौसला रखो, बस थोड़ी देर की और बात है, आधे घंटे और बाकी है बस, जल्दी से आधे घंटे बीत जाए, उसके बाद सुबह हो जाएगी, बारिश वारिश सब कुछ बंद हो जाएगी, सब तुम्हारे लिए चैलेंजेस हैं। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है आइस पापा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है आइस पापा, आग भी बुझ गई। अरे आइस पापा आग बुझ गई, आइस पापा आग बुझ गई आइस पापा। नहीं चिंकी पुटिया, तुम बेहोश नहीं हो सकती चिंकी पुटिया, नहीं चिंकी पुटिया उठो चिंकी पुटिया, बेहोश नहीं हो सकती चिंकी पुटिया, तुम उठो चिंकी पुटिया, उठो जल्दी उठो, उल्टो वरना वो फ्रैंकलिन कल बार जीत जाएगा चिंकी पुटिया, उठो। भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार, कितनी देर और बाकी है लावा गॉड भाई जल्दी बताओ। बस खाली 5 मिनट और बाकी है बस। गाइस यार सिर्फ 5 मिनट और बाकी है, जल्दी से इधर उधर भागता हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी आ जाए अपने बॉडी में। भाई साहब 5 मिनट और सरवाइव करना है बस खाली, 5 मिनट और सरवाइव कर लूँ बस खाली। भाई अचानक से सब कुछ सही कैसे हो गया? अच्छा सुबह हो चुकी है क्या लावा गॉड? हाँ सुबह हो चुकी है, और इस गेम के विजेता हो फ्रैंकलिन है इस गेम का विजेता। क्या कहा, मैं हूँ इस गेम का विजेता? हाँ क्योंकि तुम अब तक सरवाइव कर रहे हो, बाकी कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है अब तक,
क्या कहा, सच में भाई साहब मैंने 24 आवर्स तक सर्वाइव कर लिया है। और तो और गाइस ये देखो भाई लावा गॉड आइस गॉड सब लोग खड़े हैं भाई। ओ माय गॉड यार ये हुई ना बात। ऑल राइट गाइस वाह मज़ा ही आ गई यार। चलो गाइस मज़ा आ गई। वाह भाई मैं जीत गया वो सारे पैसे गाइस यार। चलो गाइस सारे पैसे ले देता हूँ जाके। वाह भाई क्या ही मस्त सा है भाई यार। यहाँ पे इतने सारे डायमंड, इतने सारे गोल्ड, इतने सारे पैसे, सारे के सारे मेरे हुए भाई। लेकिन एक सेकंड, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? वो चुकी कसम तुम्हारे पीछे हैं। अच्छा भाई यहाँ पे कब आ गए भाई तुम लोग? अभी भी मैं आया। लेकिन एक सेकंड यार, अभी भी चिंकी नहीं दिख रही यहाँ पे, और तो और वो शिनचैन भी नहीं दिख रहा भाई। वो दोनों कहाँ हैं? चिंकी बिटिया को इतना ज्यादा ठंड लगी कि मेरी चिंकी बिटिया मेरे मुंह के अंदर ही मर चुकी है। क्या कहा, चिंकी तुम्हारे मुंह के अंदर ही मर चुकी है? और उसने शिनचैन को भी खा लिया था बाद में। क्या कहा, शिनचैन को भी खा लिया था? भाई यार ये क्या बात हुई यार, मतलब यार शिनचैन को क्यों खा लिया यार? शिट यार, उसने शिनचैन को खाया तभी तो वो मरी ही। शिनचैन को ना खाती ना तो ना मरती। उसने अपने फायदे के लिए दूसरे का बुरा कर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। चलो कोई बात नहीं, जिसकी मौत हो गई फिलहाल मैं तो यहाँ पे पैसे जीत ही गया भाई। वाह भाई वाह, क्या ही मज़ेदार गेम थी यार, मज़ा ही आ गया गाइस 24 घंटे सर्वाइव करने में। गाइस यार तुम लोग को भी मज़ा आया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो भाई।